हरारत भी मुकम्मल आ गई है अंडा खाने से। हजरात, मैं कलाम पढ़ चुका हूँ, इसके आगे बढ़ नहीं सकता। यकीनन ताजगी आ गई है, उसी ताजगी का असर है कि हमारे नौजवान नौजवाना ने अहले सुन्नत अपनी हरारत इश्क तेगे अली की बदौलत यहाँ से रूहानी सफर नहायत ही खुशबूदार तरीके से कर रहे हैं। ये मुशायरा सारा मुख्तार भाई, जलालुद्दीन भाई, हजरत शमशाद तेजी साहब, मिर्जापुर शरीफ, तमाम अहबाब के दौलत नहीं ना जाहो हशम झूम रहे हैं। जहन में इंतजार नहीं आना चाहिए, दौलत नहीं ना जाहो हशम चूम रहे हैं, जिंदाबाद। घर बैठे बैठे बाबे इरम चूम रहे हैं, ये भी है तेगली की विलायत की एक दलील, बचपन में अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं, अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं। आप गरमा चुके हैं तो आपको नारा लगाना चाहिए था ना। एक कतार पढ़ता हूँ, आला बहुत आला, कि गुलशने इश्क मोहब्बत की कली कहते हैं गुलशने। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि नोटों की गर्मियों से धागा सिपट न जाए, मुझे फिक्र है इसी की कहीं सदरी फट न जाए। एक तो गर्म अंडे की गर्मी उधर है, चाय भी चल चुकी है और नोट में भी तो कम गर्मी नहीं होती है। गुलशने इश्क मोहब्बत की कली कहते हैं, शने इश्क मोहब्बत की गली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। अरे पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली कहते हैं, सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली कहते हैं। आ रहे हैं शायरे मशहूर, बुलबुले हदायत बख्शिश, शहंशाह तरन्नुम, शाहिर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरीडीह छात्र। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि पहले कुछ फूल बरेली से मंगाया जाए। उनसे यही गुजारिश है कि आपको तरही कलाम पढ़ने के बाद गैर तरही चंद शेर पढ़ना है और आपके फौरन बाद शहजाद संबलपुरी कहेंगे और आप दोनों को रखते सफर बांधना है यहाँ। सुभान अल्लाह, के पहले कुछ फूल बरेली से मंगाया जाए, जब कभी नाग का स्टेज सजाया जाए। बुलबुले बाग मदीना का लकब अच्छा है, काश महशर में यही कहे। हयात को भर भर के लीजिए, आपने भी कलाम लिखा है क्या? अच्छा, अगले साल पढ़ दीजिएगा, होगा तो मैं तवज्जो उधर दिला रहा हूँ। आप अच्छा पढ़ते हैं, पैमान है हयात को हर हर के दीजिए, हजरत शमशाद तेजी साहब, पैमान है हयात को हर हर के दीजिए, दीजिए पैमान है हयात को हर हर के लीजिए, घबरा के लीजिए ना कभी डर के लीजिए, ये भी मेरे रसूल के सच्चे गुलाम हैं, तेगे अली का नाम वजू करके लीजिए। माशाल्लाह, वजू करके लीजिए, माशाल्लाह। हसन इमाम, आपकी मौजूदगी के लिए दुआ गो हूँ, सुरकानी अली रहमतों पर रिजवान करम फरमाएं, आपके सबसे हम सबों की कबूलियत हो जाए, मकबूलियत हो जाए इस बारगाह से, यानी कबूलियत का शरफ मिल जाए। मैं मजहर फैजी साहब से गुजारिश करता हूं कि जैसा नाम है, जैसा स्टेटस है और जिस तरह की नकमकियत और क्लासिकल भरा लहजा है आपका, हम सबों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है और इंशाल्लाह आपके शेर से एक नई जिहत मिलेगी इस मुशायरे को, मेरा दिल कह रहा है। और फिर उस रंग में जो रंग भरेंगे नूर के साथ जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की बारी आने वाली है, नंबर आने वाला है, इंतजार करें आप हजरत मजहर फैजी से।